सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से सौरव से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद रिशु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और खुश हो जाता है, जहां वो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता है और बस सौरव को देखता रहता है। बट ही मिस सीइंग पीयूष, जो उसने वीडियो कॉल के टाइम पर भी कहा होपफुली पीयूष से भी हम जल्द मिले। खैर, अपना लंच और कुछ बातें करके हम निकलते हैं ड्राइव पर, जहाँ सौरव फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर कार चलाते हैं। और पहाड़ों में कहीं सौरव ने कार भेड़ा तो नहीं दी, बिल्ड क्वालिटी चेक करते करते, या सौरव एक प्रो ड्राइवर निकले, ये देखने के लिए ये व्लॉग आपको एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो लोग सोचते हैं कि पहाड़ों पे नहीं, मैंने चलाई है नेक्सॉन, चलाने में मुझे बहुत इनोवा से ज्यादा मजा आया था उसमें चलाने में। हाँ, गाड़ी स्मूथ है बहुत ज्यादा, गाड़ी बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से गड्ढे-वड्ढे बिल्कुल नहीं पता लगते, बहुत बढ़िया चलाने में। तो मैंने चलाई है, बहुत मजा आया, गाड़ी बढ़िया है, अभी भी चला सकते हो, चलाते चलाते पहाड़ में चल जाएगी उससे। हाँ चलाओ, तो दो मिनट चलाएंगे, थोड़ा नीचे राउंड मार के आ जाएंगे वापस, मेरा वीडियो भी बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, सही है, चलेंगे। और कोको कैसी लगी भाई? अरे हाँ, वो तो बहुत क्यूट है, कोको थोड़ा पहचान जाती है ना, फिर नहीं काटती। कोको कोको सुनते सीट तो है ना? ये नहीं, ये अपना लासा है यार, देखो शांत हो गई, उसको बस ये ना। और भाई ये देखो, ये अपना खाना भी आ गया है, और खाना वाना शुरू करते हैं, उसके बाद अपना सौरभ को लेके जाएंगे राइड पे इन अवर नेक्सॉन। चलें भाई, पहाड़ों के भाई अलग मजा है, मतलब अभी आपका हांसी या जो भी है फरीदाबाद में कितनी गर्मी हो रही है पता नहीं, बहुत ज्यादा बुरे हाल है वहाँ लोगों के। तो ये खड़ी है भाई अपनी नेक्सॉन। तो आज फर्स्ट टाइम पहाड़ पे गाड़ी चलाऊंगा, मैंने चलाई नहीं है कभी, फर्स्ट टाइम चलाऊंगा, तो चलवा देना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वैसे गाइडेंस दे देंगे, वैसे टाटा की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की कुछ होगा नहीं, और ऑटोमेटिक है, लास्ट टाइम फॉर्च्यूनर चलाई थी वो ऑटोमेटिक थी, मुझे चली नहीं, तो देखते हैं आज चलेगी नहीं चलेगी। बस बेसिक है, अपना लेफ्ट पैर यूज मत करना, एक ही पैर से, एक ही पैर से, हां लेफ्ट पैर यूज मत करना, बस ये एक बेसिक है, बस सबसे बड़ा बेसिक यही है गाड़ी चलाते वक्त। भाई ये तो बहुत भारी है, तो ऑटोमेटिक एक रिवर्स एक न्यूट्रल, तो जब गाड़ी चलानी है तो ब्रेक पे पैर रखते हुए अपने को इग्निशन देना है, लेफ्ट पैर का यूज मत करना। तो भाई अभी सौरभ बैठ गया है, इसमें ये कैसे होता है ड्राइवर सीट में, बस ऊपर नीचे है, अच्छा ऊपर, हाँ ये ऊपर कर देना, एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलता रहेगा, और ऊपर करोगे और तेज स्पीड पे चलेगा, इनोवा में नीचे का है, हाँ वो थोड़ा ऊपर नीचे गाड़ियों का रहता है। तो भाई सौरभ बैठ गया अभी गाड़ी पे स्टेयरिंग पे, और पहली बार चला रहे हो भाई गाड़ी को ना, AMT, और नेक्सॉन पहले चलाई थी? चलाई थी, मैनुअल चलाई थी, मैनुअल चलाई थी, वो भी सिर्फ एक मतलब एक मिनट, एक दो मिनट के लिए, और गाड़ी जब लेकिन मैनुअल चलाई थी, और गाड़ी जब लेने की सोच रहे थे तब चलाई थी। हाँ। तो इनको लग रहा है फीडबैक वगैरह कैसा लग रहा है गाड़ी का, और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेसिकली, और कोई मुश्किल आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब बंदा पहली बार ऑटोमेटिक चला रहा है ये देखने वाली बात है। सो लेट्स सी भाई, आप गाड़ी चालू को स्टार्ट करो, आपको बेसिक्स तो पता ही है। सबसे पहले तो थैंक यू भाई अपने चैनल पे बुलाने के लिए यार, हाँ सबसे मेन बात तो यह है, भैया ने अच्छे समझाया मुझे कि ऑटोमेटिक में किस तरह से एक ही पैर का यूज़ करना है, किस तरह से मतलब गियर लगाने सब कुछ। बेसिकली मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, आप लेफ्ट पैर का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक लगाने में, तो बेसिकली ये ट्रेंड रहता है आपका क्लच दबाने के लिए, जो हम हार्ड प्रेस करते हैं, तो अगर मैं हार्ड प्रेस करूँगा ब्रेक को, हार्ड प्रेस करूँगा अचानक से ब्रेक लग जाएगा और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको बस अपने राइट पैर का यूज़ करना है, जैसे मैनुअल गाड़ी में करते हैं, क्लच के लिए मतलब एक्सीलेटर के लिए भी और ब्रेक के लिए भी। चलिए अब आगे चलते हैं, चलें अब आगे निकलते हैं, दोनों पे एंड करते हैं, क्लच वाला तेज होता है, ये चीज़ मैंने तुझे भी बताई थी भाई, उसने नहीं बताई मुझे, मैं जब मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर चला रहा था ना जब मैं, हाँ तो उसने सीधा कह दिया तुमसे चलेगी ही नहीं उसके जो वो मतलब आते हैं ना साथ में टेस्ट ड्राइव के लिए, उसने ऐसे बोला कि तुमसे चलेगी नहीं, और मैं बार बार ब्रेक, उसने ये नहीं कहा कि तुम एक पैर यूज करो, मैं बार बार ब्रेक से ब्रेक दबा दे रहा दूसरे पैर से, वो तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट हो सकता है उसमें। हाँ। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जब लूंगा खुद ही सीखूंगा, तो आज एक नई चीज पता लगी। हाँ देखो सही चला रहा हूँ, आपको दिक्कत ही नहीं आ रही? नहीं मैनुअल ये गाड़ी है, और क्या, कौन सा मॉडल है ये? ये है XMA, तो स्क्रीन नहीं आती क्या इसमें? इसके ऊपर वाले में आती थी, मुझे जरूरत नहीं थी यार, सनरूफ भी नहीं है इसमें तो? नहीं सनरूफ अभी जब मैंने गाड़ी ली थी तब सनरूफ नहीं थी, मैं देखने गया था उसमें सनरूफ थी, उसमें स्क्रीन भी थी। हाँ सनरूफ अभी आनी शुरू हुई है, सही गाड़ी है, मतलब चार पांच लोगों के पर्पस के हिसाब से तो बेसिकली गाड़ी सही है। इनफैक्ट पीछे की भी काफी ना
हिमानी भी कुछ बोल रही है तो भाई पीछे तो कंफर्ट तुम लोगों को बढ़िया रहता है ना। मैं भी जब बैठता हूँ मैं कई बार पीछे बैठ जाता हूँ भाई, थक गया होता हूँ, कोई और गाड़ी चला रहा होता है तो पीछे बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वैसे चलाने में बिल्कुल भी। ऑटोमेटिक में मतलब ऐसा कुछ लगा कि नहीं चला पाओगे पहाड़ों पे? नहीं लगा, और पहाड़ों पे ही चलाने में डर लग रहा था मुझे, ऑटोमेटिक ही चला रहा हूँ सीधा। सब सारी चीजें पहली बार होती है, मैंने पहली बार बाइक पहाड़ों पे चलाई और पहली बार सीधा रॉयल एनफील्ड से शुरुआत करी। सही है, लास्ट ईयर। तो इसमें भाई मोड भी आते हैं, ये आपके इनोवा वगैरह में है? हाँ, इनोवा में है। कौन कौन से मोड होते हैं इसमें? इको है और स्पोर्ट्स है। किस पे चलाते हो गाड़ी? मैं इको में भी नहीं चलाता, नॉर्मल चलाता हूँ। अच्छा, तो वो मतलब डिफॉल्ट मोड क्या है उसमें? डिफॉल्ट मोड है मतलब इको बंद हो जाता है, स्पोर्ट्स भी बंद हो जाता है, उसमें चलाता हूं। ओके ओके ओके, वो सिटी टाइप का होगा। इसमें तीन मोड दे दिए हैं, एक और झरना आ गया, ये तो और भी प्यारा लग रहा है। हां, ये सुंदर लग रहा है, इसका पानी अच्छा है। यहां पर पता नहीं यार, देखता हूँ। हाँ, रोक दो रोक दो, बस थोड़ा सा मतलब गाड़ी वाड़ी निकल जाए, निकल जाएगी गाड़ी। अब तो आ गई तुम्हें, भाई आज तो फुल इंजॉयमेंट हो गई, मौसम इतना बढ़िया, झरने इतना बढ़िया, साथ में सौरभ भी मिल गया, तो ये सब बड़ा बढ़िया हो गया। तो भाई फुल एंजॉयमेंट हो रहा है, हमारी मजा आया कि नहीं है? भाई मजा आ गया यार, ये अपने नेचुरल झरने बन गए हैं यहाँ पे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बेसिकली ये नेचुरल झरने बन के गिर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल वाइट पानी है, पीछे थोड़ा मड्डी पानी था, बट यहाँ पानी इतना बढ़िया है, मौसम इतना बढ़िया है, कोको फुल इन्जॉय कर रही है, ठंडा लग रहा है कोको को, थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये तो मुश्किल नहीं है वैसे पहाड़ों में चलाना ना? नहीं 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 नहीं, अपनी लेन पे चलो, हाँ। स्लो चलो, दो चीजें बस। बहुत बढ़िया सिखाते। नहीं नहीं, शैलू तो भाई है, प्रो ड्राइवर है भाई वो तो। तुम भी बहुत बढ़िया सिखाते हो। वैसे मेरा प्लान था लेकिन मम्मी ने लाने ही नहीं दिया, मम्मी बोली नहीं ड्राइवर लेके जा जाएगा, नहीं तुम चला लोगे। कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ों में यार पहली बार ड्राइव कर रहे हो, तो सभी लोग मना ही करेंगे, जहाँ से कम्फर्टेबल लगे वहाँ से मोड़ लेना। इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है ना, ये व्हीलर लगा हल्का सा। नहीं कौन सी जो नेक्सॉन की नया वेरिएंट आया ना वो अलग है, वो इससे आगे से थोड़ा बहुत अलग दिखता है, थोड़ा बहुत उन लोगों ने चेंजेस करे हैं, मेरे को तो सेम ही लगती है। यहाँ पे देखिए सीनरी कितनी बढ़िया है, जहाँ आए जगह जगह पे ये झरने टाइप के बन गए हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। एंड पहाड़ों जब भी आप गाड़ी चलाते हैं अपनी लेन में चलाएं। और तुम्हारा क्या कहना चाहे मतलब बाइक लेके आए, क्या कैसा रहा था पूरा एक्सपीरियंस? बढ़िया एक्सपीरियंस था, मजा आया। पहाड़ों पे स्पीड लिमिट में और अपनी लेन पकड़ के चलो, ओवरटेक तभी करो जब रास्ता बिल्कुल सामने दिखे खाली है। बिल्कुल सही बात, मोड़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। यस, तो भाई ये दो तीन चीज जो भाई ने बताई सौरभ ने, यही चीज आपको फॉलो करनी है, आप भी पहाड़ पे गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज आपकी जहाँ पे भी सिटी विटी ड्राइव जो भी है वही चीज रहती है, बस आपको बेसिक चीजें फॉलो करनी है, अपनी लेन फॉलो करनी है, और यही सब चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल पे ना ठीक है, गाड़ी इग्निशन बंद कर दो। भाई इसके जो ये डोर्स है ना बहुत हैवी है, बहुत मतलब मैंने और गाड़ियाँ देखी हैं, ब्रेजा वगैरह भी देखी है, उनके भी हल्के हल्के से हैं, बहुत हैवी है यार, मतलब बिल्ड क्वालिटी है सच्ची में। चलो बढ़िया, तो भाई नेक्सॉन तो पसंद आ गई भाई को। सो फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर कार चलाने के बाद भी सौरभ ने गाड़ी यहाँ काफी कॉन्फिडेंटली और अच्छे से चलाई, और सौरभ इंडियाज मोस्ट लव्ड ब्लॉगर होने के साथ साथ सरप्राइजिंगली एक प्रो ड्राइवर भी निकले, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में फतेह हासिल की। एंड उसके बाद हमने इन सुंदर पहाड़ियों में बारिश से बने नेचुरल झरनों पर टाइम स्पेंड किया, और काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और पिक्चर्स क्लिक की, जिसके ब्लॉग्स आपको आगे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग, सो इफ़ यू लाइक द ब्लॉग डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।